नमस्कार दोस्तों, ऑल एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं फरवरी 2019 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का पार्ट वन लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किसे नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद सक्सेना, बी अजय त्यागी, सी नीलांबर आचार्य, डी सुभाष चंद्र खुटिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीलांबर आचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा किस देश में ऐतिहासिक यात्रा की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, पीवी भारती हाल ही में किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, बी कॉरपोरेशन बैंक, सी विजया बैंक, डी बंधन बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉरपोरेशन बैंक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी हॉलैंड, डी पोलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पोलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीआई के निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला, बी राजीव महर्षि, डी सी राजीव कुमार शुक्ला, डी अनूप सेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरविंद कुमार, बी राजीव कुमार, सी राजीव नयन चौबे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजीव नयन चौबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी झूलन स्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिताली राज। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय सुधीर को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी मालदीव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी रेल मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है? ऑप्शन ए जापान, बी कतर, सी मलेशिया, डी भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कतर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 3 फरवरी, डी 5 फरवरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए 2019, बी 2018, सी 2017, डी 2016। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2019। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी केरल, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी पंजाब, सी केरल, डी गोवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की नंबर वन महिला वनडे बल्लेबाज कौन बनी है? ऑप्शन ए मिताली राज, बी स्मृति मंधाना, सी हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीटी अकादमी ब्रिज 2019 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए नागपुर, बी मायापुर, सी मद्रास, डी पुणे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मायापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिएटन ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रमित टंडन, बी विक्रांत मित्तल, सी मोहम्मद अल शेरबिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रमित टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए रविंद्र कुमार, बी संजीव कुमार, सी सुधीर कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रविंद्र कुमार। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।